से देखते हैं आज की खास खबर। पीएम की मौजूदगी में मंत्री ने रखा महिला की कमर पर हाथ। दो दिनों से इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मंच पर एक महिला मंत्री की कमर पर हाथ रखते हुए मंत्री मनोज कांति देव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। यह वीडियो वायरल होने के बाद से राज्य में सियासी तूफान मच गया है। वीडियो में महिला मंत्री देव का हाथ हटाते हुए नजर आ रही है। विपक्षी माकपा ने इस पर भाजपा को कटघरे में खड़ा किया है। हालांकि भाजपा के इन दोनों मंत्रियों ने किसी तरह के अपमान की बात से इनकार किया है। महिला मंत्री ने मंगलवार को यहां पत्रकारों से कहा कि विपक्ष इस घटना को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। मुझे देव की नियत में कोई खराबी नहीं नजर आती है। वह प्रधानमंत्री के समारोह को साफ देखने के लिए आगे जाने की कोशिश कर रहे थे। महिला मंत्री ने माकपा नेताओं के खिलाफ अवमानना का मामला दर्ज कराने की चेतावनी दी है। इस बीच देव ने मंगलवार को कहा कि वह सामने जाने का प्रयास कर रहे थे ताकि समारोह को बेहतर तरीके से देख सके। वहीं माकपा की महिला शाखा ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमन एसोसिएशन ने सोमवार को रैली कर मंत्री देव को बर्खास्त करने की मांग उठाई। कांग्रेस ने इस घटना की जाँच की मांग की है। साथ ही सुष्मिता देव ने ट्वीट कर कहा, बीजेपी से बेटी बचाओ। भाजपा प्रवक्ता अशोक सिन्हा ने कांग्रेस व माकपा के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस इंडिया ऐप डाउनलोड करें और हमारी न्यूज के अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।